तो देखो क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। कोई तो एक अलग कोई तो चार्ज है और जिसके कारण यहाँ पर पूरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे कोई भी चार्ज लाना होगा, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें कोई भी चार्ज को लेकर जाना है एट एनी प्लेस, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो देखो इस पॉइंट T1 पर अगर हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो वर्क करना पड़ेगा, इसके बाद कोई दूसरा चार्ज लाया Q2, पॉइंट है P2, तो वर्क करना पड़ेगा। अब जब ये Q2 को लाएंगे तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है और साइमल्टेनियस Q1 पर यहाँ पर प्रेजेंट है, साइमल्टेनियसली Q1 भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो वर्क होगा दैट विल बी अगेंस्ट Q1 एज वेल एज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। सो अब हम यहाँ पर कहते हैं वर्क डन विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी आर। क्यू क्या है? चार्ज है जिसको हम ला रहे हैं। वी आर क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन इतना पोटेंशियल रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि देखो इनके बीच के बीच में रिलेशन है। वी इक्वल टू इनटू आर। ठीक है, V इक्वल टू E इंटू आर, दिस इज फोर्स एक्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विल बी वर्क डन। क्या सही है? ये टोटल वर्क को आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। ये किसके लिए होगा वर्क? दिस इज फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यही अगर चार्ज क्यू के लिए रहा तो आप कहोगे क्यू इंटू वी इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू आर। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल रहेगा, क्यू चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, सही है। ऑब्वियसली इट विल बी फंक्शन ऑफ आर कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना रहेगा। सो आर के टर्मिनोलॉजी में इसको अगर लिखना है तो यू कैन ऑलवेज राइट
एंड टू इंटू से आप फोर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछी है तो यू का रिलेशन लिखना, पोटेंशियल के बारे में अगर बात कर रहे तो वी का रिलेशन लिखना, ठीक है। सो अगर ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है तो ऑब्वियसली यहां पर पोटेंशियल रहेगा ई आर इंटू आर, सही है। सो यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, कितना क्या आ जाएगा रिलेशन। सो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यू पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू, क्या मैं ई आर इंटू आर को भी लिख सकता हूं? ठीक है, अगर यहां पर मल्टीपल चार्जेस रहे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस ठीक है विल बी, देखो यहां पर एक चार्ज लाया आपने तो ऑब्वियसली इसके हिसाब से जो कोई भी यहाँ का पोटेंशियल रहेगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो आप लिखोगे Q1 into V of R1, assuming ये हमारा ओरिजिन है, और यहां से ये R1 डिस्टेंस पर चार्ज है, R2 डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस है R12। तो देखो यहां पर ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल है, Q1 को लाया, कुछ वर्क करना पड़ा, Q1 इंटू वहां का पोटेंशियल। अब Q2 को ला रहे हैं, सो Q2 को R2 पर लाया तो रहेगा ये Q2 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट R2। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी वी आर वन वी आर टू। अगर वेरिएबल है तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। बट अब देखो Q2 जब ला रहे हैं हम, इस Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां, उसके कारण पोटेंशियल तो रहेगा, बट साथ ही साथ Q1 के कारण भी पोटेंशियल रहेगा, तो वो यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण पोटेंशियल है? Q1 के कारण। कहां पर है? Q1 से डिस्टेंस R12 पर। हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस चार्ज को ला रहे उस चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तीसरा चार्ज लाते हैं तो फिर
यहाँ का पोटेंशियल इनटू ये तीसरा चार्ज, और यहाँ पर इस Q1 के कारण भी पोटेंशियल रहेगा, Q2 के कारण भी पोटेंशियल रहेगा, दैट विल गो ऑन. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, सो देखो अगर ये क्लियर है तो यहां से आगे बढ़ेंगे. सर ये तो अलग अलग चार्जेस के बारे में हमने लिख दिया, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डाइपोल, तो वो भी लिख लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड. पहले तो एक चीज हमें ध्यान में आनी चाहिए, अगर ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है और यहाँ पर हमने किसी डायपोल को रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारी. ठीक है, अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, ये 2a है तो ये सामने वाला 2a साइन थीटा रहेगा. अब देखो इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये इस प्रकार से रहेगा, निगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स है वो ऑपोजिट है, तो यहाँ पर टॉर्क एक्ट होने वाला है वो रहेगा एफ ई आर क्रॉस एफ. कितना डिस्टेंस है सेपरेशन? किलर ही लिखते हैं शुरुआत में, 2a sin थीटा और फोर्स रहेगा q into इलेक्ट्रिक फील्ड, बट q into 2a ये रहता है p. ये बन जाएगा p बार क्रॉस e बार. So, when a dipole it experiences torque tau equal to p bar cross e bar, ठीक है. और अब इस डायपोल की हम पोटेंशियल एनर्जी देंगे u, which is function of theta equal to minus p bar dot e bar, that is PE cos theta minus PE cos theta.
हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड एट जीरो, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय टू, थीटा इक्वल टू पाई बाय टू पर ये पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर किया जाएगा। दैट इज जब हमारा डाइपोल ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वर्टिकल रहेगा तब, ठीक है, ये डाइपोल की रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। अब कैपेसिटर्स की तरफ जाने से पहले एक पार्ट जो रिवाइज करते हैं हम, विच इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। सर प्रीवियस स्लाइड एक सेकंड देख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, इसके बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट है। पहला पॉइंट है इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। मैं सभी पॉइंट लिखता हूं और एक एक ही साथ आपको इन सभी को एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन epsilon naught into n cap, और आखिरी पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी is zero. So देखो बड़ा आसान है।
किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर की क्या खासियत होती है सर? कंडक्टर की खासियत होती है कि उसके पास फ्री चार्जेस रहते हैं। चार्जेस आर फ्री टू मूव। सो देखो, अगर ये कंडक्टर है और इसमें ये दो चार्जेस है एंड चार्जेस आर फ्री टू मूव, तो इनके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव होगा। और चार्जेस आर फ्री टू मूव, तो क्या वो जगह पर रहेंगे या दूर दूर चले जाएंगे? चार्जेस आर फ्री टू मूव, इनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स है, तो ये दूर दूर चले जाएंगे। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि इनको सरफेस पे जाकर रुकना, ठीक है, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। इसके कारण एक चार्ज कंडक्टर पर, वेदर इट इज हॉलो या सॉलिड, जो चार्जेस रहेंगे दोस चार्जेस विल बी एट सरफेस। क्या सही है क्या? बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, वो इनसाइड नहीं रह सकते, वो सरफेस पर ही रहेंगे। सरफेस से बाहर वो जंप कर नहीं सकते हैं, इसके कारण वो सरफेस पर रहने वाले। आप इसके कांटेक्ट में कोई कंडक्टिंग बॉडी लाओ, यहाँ से चले जाएंगे, बट अदरवाइज वो यहाँ से एयर में जंप नहीं कर सकते हैं। ओके सर, ध्यान में आ गया। अब ऐसा है तो देखो, अगर ये मैंने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? जीरो। सही है। किसी कंडक्टर के अंदर एज इट इज अ कंडक्टर, चार्ज सरफेस पर रहने वाला है। सरफेस पर चार्ज रहेगा तो इनसाइड चार्ज जीरो हो गया। इनसाइड चार्ज जीरो हो गया तो, सॉरी हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये फ्लक्स है हमारे। फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब Q इनसाइड जीरो है तो ये फ्लक्स जीरो हो गया। फ्लक्स जीरो मतलब E डॉट ds जीरो, एरिया जीरो नहीं हो सकता है तो E जीरो होगा। वही कहा है, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। अब देखो दूसरा पॉइंट कहता है, एट सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। क्यों? कि देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेशनरी चार्जेस है, चार्जेस आर नॉट मूविंग। सो ऐसे स्टेडी स्टेट में जब चार्जेस रेस्ट पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो क्या होगा? तो इसका दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक नॉर्मल टू द सरफेस, सॉरी एक नॉर्मल टू द सरफेस, दूसरा अलोंग द सरफेस। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अलोंग द सरफेस अगर चार्ज पर कोई फोर्स लगेगा तो चार्ज जगह पर रहने वाला है क्या? कंडक्टर के चार्जेस आर फ्री टू मूव, तो ऑब्वियसली इसकी मोशन होगी। अगर इसकी मोशन हो रही है तो क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस रेस्ट वाली कंडीशन रहेगी क्या? नहीं रहेगी। और इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज रेस्ट वाली कंडीशन अगर है तो अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं रह सकता है। जो कुछ भी रहेगा इट विल बी द नॉर्मल टू द सरफेस। क्या सही है? बिल्कुल सही है सर। अब देखो पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट बिल्कुल ही सिमिलर है।
क्या है तीसरा पॉइंट? एट स्टैटिक सिचुएशन देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, क्योंकि चार्जेस आर फ्री, वो सरफेस पर जाकर रुकने वाले हैं, इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं रहे, इनसाइड में चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो यहाँ पर मैं इंफिनिटी से कोई चार्ज लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर लाके जब तक सरफेस पर ला रहा हूँ ये चार्जेस के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहने वाला है। पास में जाऊंगा रिपल्सिव फोर्स और बढ़ता जाएगा, वर्क और बढ़ेगा। जब अगर मैं इसके अंदर चला गया, अब मैं अंदर चला गया तो क्या होगा? अभी अगर मैं इसके अंदर चला गया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो लगने वाला फोर्स जीरो रहेगा, फोर्स जीरो रहेगा तो वर्क नहीं होने वाला है। तो मतलब इस चार्ज को सरफेस पर लाते वक्त जितना वर्क किया गया उतना ही वर्क अब अंदर कंटिन्यू रहेगा, अंदर वो बिना वर्क के घूम सकता है। ये वर्क मतलब ही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो जो कुछ भी वर्क करना पड़ा दैट विल बी टिल द सरफेस। सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स नहीं तो वर्क नहीं, और इसलिए इसके इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू सरफेस पर जो है उतनी ही रहेगी। सही है। फिर हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज E बार इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। ये बिल्कुल हमारे गॉस लॉ के एप्लीकेशन जैसा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अभी कहा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो रहेगी, तो कोई कंडक्टिंग मटेरियल है और उसके अंदर अगर कैविटी है तो इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहने वाली है। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अब अगर ये कंडक्टर्स का ध्यान में आ गया तो एक और पार्ट देख लेते हैं। सर डाइइलेक्ट्रिक्स कैसे बिहेव करेंगे? तो देखो ये कंडक्टर के बारे में लिखा है, अभी डाइइलेक्ट्रिक के बारे में देखते हैं। डाइइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर्स, जहां पर चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव। देखो अगर एक्सटर्नल फील्ड है ये, अगर मेरा कंडक्टर है तो देखो यहाँ के पॉजिटिव चार्जेस, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, निगेटिव चार्जेस रहेंगे, सो होगा क्या, ये एक्सटर्नल फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्जेस दूर जाएंगे, निगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे इस साइड में निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। अब अंदर पर कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखो ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इस प्रकार से फोर्स लगना शुरू होगा। सो बेसिकली एक इंटरनल फील्ड डेवलप होगी, ये फील्ड तब तक डेवलप होगी जब तक ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंटरनल एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। सही है,
यही हमने थोड़ी देर पहले कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। कुछ भी केस हो, ऐसी केस हो तो भी होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो कंडक्टर में। क्यों? यहां पर चार्जेस आर फ्री टू मूव। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइलेक्ट्रिक में या इंसुलेटिंग मटेरियल में चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव, तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी बट इट विल नॉट बी इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड, एंड इसके कारण यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर रहेगी। इन कंडक्टर ये क्यों होता है ये देखेंगे, और कैसे होता है ये भी देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सिर्फ होगा क्या, ये एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्मॉलर देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करने वाली है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, इसको फटाक से समझ लेते हैं। देखो, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, यहां पर दो चीजें हो सकती है, आइदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं दो टाइप के सर, किसी को याद है सर? पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया, पोलर्स एंड नॉन पोलर। पोलर में क्या होता है, चार्ज सेंटर कोइंसाइड नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके सेंटर्स एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। एंड नॉन पोलर में चार्ज सेंटर कोइंसाइड होते हैं। सो अब देखो क्या होगा, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल है, सो जो पोलर है ना वो तो इस प्रकार से रहेंगे, अब एक्सटर्नल फील्ड आ गई, तो ये खुद को अलाइन करते हैं, क्या करते हैं, ये खुद को अलाइन करते हैं, पॉजिटिव रिपेल होगा, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना ये घूमकर ऐसा बनने वाला है, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव रिपेल नेगेटिव अट्रैक्ट, ये वाला। Thank you.
धीरे सो धीरे धीरे क्या होने वाला है, यहाँ पर इस साइड में सभी पॉजिटिव जमा हो जाएंगे, यहाँ पर सभी निगेटिव जमा हो जाएंगे, बिल्कुल इस प्रकार से, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, सही है। दिस विल बी द केस ऑफ पोलर। नॉन पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये पॉजिटिव निगेटिव के सेंटर एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, वो स्ट्रेच हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। पहले क्या था, ये इनके सेंटर्स एक दूसरे के ऊपर ही थे, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर थे, वो अब स्ट्रेच हो गए, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ये पॉजिटिव जमा हो जाएंगे, बीच वाले पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव रहेंगे, सो एक इंटरनल फील्ड तैयार हो जाएगी और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कम होती है, ऐसा हमने कहा है, क्या सही है क्या? एक्सक्यूज मी, तो कहने का मतलब इतना ही है, कंडक्टर्स का बिहेवियर ये वाला एंड डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर अलग रहेगा, पोलर हो या नॉन पोलर हो, इंटरनल अपोजिट डायरेक्शन की फील्ड तैयार होने वाली है, जिसके कारण ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने के कारण जब इस प्रकार के डाइलेक्ट्रिक कण के हमारे कैपेसिटर में आएंगे तो उनका बिहेवियर बदलने वाला है।